So hey, what's up guys, Harsh here, back with the video. So guys, in this video, we're gonna talk about the jailbreak of iOS 15. And guys, जो iOS 14 है, उसके jailbreak के बारे में भी. So guys, ये एक तरह से कोई बहुत अच्छी न्यूज भी नहीं है jailbreak के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, ना ही कोई बहुत ज्यादा बेकार न्यूज है. एक हाँ एवरेज डे है jailbreak वाली कम्युनिटी में. और गाइज, मेरे को दो तीन चीजें पता लगी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो गाइज, मैंने इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था. गाइज, इफ यू नॉट फॉलो मी इंस्टाग्राम, दिस फ्राइडे इज माई हैंडल. आई हाईली सजेस्ट यू गाइस टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, क्योंकि गाइज यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम में आपको अपडेट फटाफट दे सकता हूँ. और गाइज, एक और चीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, गाइज इस चीज को आप बुकमार्क कर लो. गाइज, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना रखा है जिसको मैं साथ की साथ अपडेट करता रहता हूँ. हर एक दिन में इसको मैं अपडेट करता हूँ. सो गाइज, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख रखा है कि गाइज आप अपने आईफोन को जेलब्रेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, iOS 15 से लेकर ऑल द वे टू iOS 9. और गाइज, जो ये मैंने सामने हाइपरलिंक मेंशन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे अनकवर पे क्लिक करोगे तो आप उस YouTube वीडियो में रिडायरेक्ट हो जाओगे जिसपे मैंने आपको दिखा रखा है कि आप जेलब्रेक कैसे कर सकते हो. यहाँ पे सारे जेलब्रेक मैंने मेंशन कर रखे हैं फिलहाल के लिए. iOS 15 से लेकर 15.3 विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर हम जेलब्रेक नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ iOS 14 को चेकरिन के साथ जेलब्रेक कर सकते हैं. चेकरिन जेलब्रेक अभी हमारे iOS 15 पे नहीं आया है. एनीवे गाइस, उसकी बात हम बाद में करेंगे थोड़ी देर जाके. फिलहाल के लिए बात करते हैं, गुड न्यूज हमें देखने को मिली है जेलब्रेक कम्युनिटी में. सो गाइस, जस्ट ड्रॉप अ लाइक बिफोर बिगिनिंग, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए. सो गाइस, रिसेंटली एप्पल ने अपना iOS 15.3 रिलीज कराया है, जैसे कि आप देख सकते हो. फिलहाल के लिए सिर्फ iOS 15.3 ही साइंड है और कोई भी iOS साइंड नहीं है. गाइस, इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ कि डू नॉट अपडेट, अपडेट बिल्कुल मत करो. iOS 15 पे हो, 15 पे रहो, 15.1 पर हो, 15.1 पर ही रहो, 15.2 फिर भी थोड़ा बहुत, मतलब 15.3 पे तो बिल्कुल मत आओ, जितना नीचे हो सके उतना नीचे रहो. एंड गाइस, मैं 15.3 बार आपको ये बता रहा था कि 15.3 में हमें यहाँ पे एक नया पैच मिला है जो कि है गाइस IO मोबाइल फ्रेम बफर. और गाइस, ये उसी तरह का कोई पैच है जिसको यूज करके जेलब्रेक डेवलप किया जा सकता है. गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कर्नल वाला पैच कहाँ के लिए रहा. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, कर्नल में एक एक्सप्लॉइट था और एप्पल को इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए एप्पल ने iOS 15.3 में उसको सही कर दिया है. लेकिन गाइस, जो iOS 15.3 से पहले वाले iOS थे उनमें ये चीज सही नहीं है, तो इसको यूज करके जेलब्रेक डेवलपर्स एक नया जेलब्रेक क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, कर्नल आईफोन 6s से लेटर आईपैड ऑल मॉडल्स आईपैड एयर 2 एंड लेटर आईपैड 5th जनरेशन पैड मिनी वगैरह वगैरह. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका इंपैक्ट ये है कि अ मेलिशियस एप्लीकेशन मे बी एबल टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री कोड विद कर्नल प्रिविलेजेस. यस गाइस, यही चीज चाहिए होती है, एग्जैक्टली यही चीज चाहिए होती है. कर्नल में एक्सप्लॉइट चाहिए होते हैं हमें जेलब्रेक को डेवलप करने के लिए. सो गाइस, ये चीज हमारे iOS 15.3 से नीचे वाले, 15.3 में नहीं, 15.3 से नीचे वाले हर एक iOS में प्रेजेंट थी, जिसकी मदद से गाइस जेलब्रेक काफी ज्यादा जल्दी में देखने को मिल सकता है. फिलहाल के लिए गाइस, अगर मैं बात करूं हमें जेलब्रेक कब देखने को मिलेगा, तो कोई टाइमलाइन नहीं है, बहुत टाइम लग सकता है अभी, जल्दी तो नहीं, मतलब इतना लेट भी नहीं, इस ईयर में, इस ईयर तो खैर शुरू ही हुआ है अभी, अगले 2-3 महीने में हमें होपफुली जेलब्रेक देखने को मिल जाना चाहिए. फिलहाल के लिए गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये वाली वल्नरेबिलिटी का पता लगा है तो अभी जेलब्रेक आ जाएगा, जेलब्रेक आने में टाइम लगेगा iOS 15 के लिए. सो गाइस, फिलहाल के लिए मैं अनकवर की बात करूं तो अनकवर अवेलेबल है हमारे 8.12 से लेकर 8.13 वाले डिवाइसेस के लिए, iOS 14.6 से लेकर 14.8 तक. गाइस, मैंने पहले हजारों वीडियो बना रखी है अनकवर के बारे में, सेम वही मेथड फॉलो करना है इसमें भी, ऑल स्टोर वाले मेथड पे. अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइस है तो आप अनकवर को इंस्टॉल कर सकते हो. गाइस, डू नॉट अपडेट, 15.3 पे तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आपने देखा 15.3 में एप्पल ने पैचेस फिक्स करे हैं, तो 15.3 पे जाने के बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाओ. और गाइस, इससे पहले वाले मॉडल में भी जितना नीचे हो सके उतना नीचे रहो, डू नॉट अपडेट टू द लेटेस्ट iOS. 15.3 तो बिल्कुल भी नहीं आना, लेकिन उससे नीचे फिर भी एक बार तो सोच सकते हो आप. गाइस, इन शॉर्ट, डू नॉट अपडेट योर iOS, और जब तक जेलब्रेक नहीं आता वेट करो. सो होपफुली अगले हमें 3 महीने के अंदर जेलब्रेक देखने को मिल जाना चाहिए. जैसी कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम जरूर बताऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल जरूर बताऊंगा. सो गाइस, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन. एंड गाइस, बेसिकली मेरे को सिर्फ यही बताना था इस वीडियो के थ्रू. सो गाइस, ये काफी सही अपडेट है हमारे जो हमारे जेलब्रेक कम्युनिटी के लिए है, जेलब्रेक इस वाले एक्सप्लॉइट को यूज करके निकाला जा सकता है. सो गाइस, ऑब्वियसली हम दोनों ने, आप और मैं नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छी कोडिंग स्किल्स चाहिए होती है इसके लिए जो कि जेलब्रेक डेवलपर में होती है. सो गाइस, बेसिकली मेरे को सिर्फ यही बताना था इस वीडियो के थ्रू. एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक, क्योंकि आपका काम हो चुका है, जो आप देखने आए होंगे वो आपको पता लग गया है. आज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस एंड आई एम आउट.